गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मैंने पर्सलिन इस तरह से लगाया है, है? और पिछले साल मैंने ये जो पानी की बोतल नहीं आती है जो, उनमें लगाया था मैंने ये इसी तरह से। तो मगर फिर वो उसमें ऐसा, पहले शुरुआत में तो बहुत अच्छे से चली थी, पर फिर बाद में उनमें रूट जो होते नहीं उसमें बाउंड हो गई थी, ली होती हैं वो बोतल, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस बार मैंने ये पेंट के डिब्बे लिए हैं, तो इसके लिए ज़रूरत हमें पड़ेगी एक डोरी की और पेंट की और एक मज़बूत बाल्टी की। देख रहे हैं आप, ये पेंट की बाल्टी थी, काफ़ी मज़बूत थी। और पिछले साल भी मैंने लगाया था, 3 साल हो गए लगातार लगाते हुए मुझे इस तरह से, 3 साल 4 साल हो गए लगाते हुए। तो इसमें इस तरह से हमें होल करने होंगे, क्योंकि हम पुरानी बाल्टी थी, जैसे उस हिसाब से बोतल के हिसाब से मैंने होल किए हुए थे, मगर फिर भी चलो पेंट में भी चल जाएंगे। तो हम इसे कैसे लगाते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है? हम इस तरह से होल कर लेंगे थोड़े थोड़े स्पेस पे, और एक डोरी चाहिए होगी। अगर आपके पास जिप लॉक हैं तो सबसे बेटर है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक फिक्स कर सकते हो अलग अलग। अगर जिप लॉक नहीं है तो आप ऐसे डोरी से भी काम चला सकती हो, मगर प्लास्टिक की डोरी लीजिएगा, जूट की या वैसे डोरी मत लीजिएगा, प्लास्टिक की पतली डोरी लीजिएगा। और लॉकडाउन में हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो मेरे पास जो चीज़ थी, क्योंकि मैंने इसी से पहले भी ट्राई किया हुआ था, बना रखा था, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। जिप लॉक मिल जाते तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जो आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इस होल से उस होल में करने की, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसे फिक्स करेंगे, और कैसे करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। ये डालने के बाद में आप इस तरह से अंदर की साइड से लॉक लगाती हो, ये डबल डालेंगे, जैसे आप फोल्ड करके इस तरह से डालेंगे, ऐसे देख रहे हैं आप इस तरह से। और ये स्पेस जो गोला आकार बन गया है उसमें हम ये प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं वो डालेंगे। और हाँ, प्लास्टिक के डिब्बे में जब आप मिट्टी वगैरह डालें, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो पहले आप खाली लगा लीजिए इसमें, जैसे डिब्बे में होल कीजिए, और आपको पेंट करना है तो पेंट कीजिए, और पेंट करने के बाद में आप सबसे पहले तो ये काम कर लीजिएगा, है ना? इस तरह से आप पूरा चारों तरफ से राउंड शेप में लगा लीजिए, उसके बाद भी इसमें मिट्टी और ये प्लांट्स लगाइएगा, जो भी लगाना हो आपको, चाहे गेंदा लगाना हो या फिर क्या कहते हैं पर्सलिन लगाना हो, जो भी लगाना हो वो बाद में भरिएगा मिट्टी भर के, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले से भरे हुए थे, तो इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा और लगाना था, इसलिए मैंने सारे खोल के फिर से लगाए हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके सबको लगाते हो, खूब टाइट टाइट करके खींच के लगाइएगा, चाहे आप जिप लॉक से लगाइए, चाहे आप डोरी से लगाइए, जिससे कि ये नीचे की तरफ जाए ना, है ना? इस तरह से, और अंदर की तरफ से नॉट ज़रूर लगा दीजिए, अगर अंदर नॉट नहीं लगाएंगे तो ये लूज़ होके गिर जाएंगे डिब्बे निकल निकल के। तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, अगर आप नई बकेट बना रहे हैं, नई बकेट रेडी कर रहे हैं, तो आप पहले प्लास्टिक के जो पेंट के डिब्बे हैं नीचे से ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल कर लीजिए छोटे छोटे बारीक बारीक, और उसके बाद में आप इसे पेंट करना तो पेंट कर लीजिए, उसके बाद में इसमें फिक्स करने के बाद में फिर आप इसमें मिट्टी और प्लांट लगाइएगा। और बीच में बकेट में मैंने इसमें ये बालसम भी लगा दिया था, और ये जीनिया भी था, मगर जीनिया भी कट जैसे कीड़े वगैरह बहुत हो रहे थे, उसे कट करके बिल्कुल बेकार कर दिया, तो मैंने निकाल दिया उस जीनिया के प्लांट को। तो ये सावधानी से मुझे निकाल लगाना पड़ेगा, वरना ये मेरा बालसम का भी प्लांट बेकार हो जाएगा। ये सीड से ही ग्रो किए हुए हैं, आपने शायद में आपको याद होगा, अगर आप वीडियो देखते हो तो मैंने बालसम के सीड भी लगाए थे, तो वही सीड ये ग्रो हो रहे हैं, तो जगह जगह मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। और देखो हर एक के बाद में ऐसे नॉट लगाते रहेंगे हम इस तरह से, है ना? और नॉट लगाने के बाद में फिर हम इसे खूब टाइट करके खींच खींच के लगाएंगे। जिप लॉक ले लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, मगर ऐसा नहीं है कि आपको जिप लॉक लेने ही दौड़ पड़े मार्केट के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास प्लास्टिक की डोरी है तो आप प्लास्टिक की डोरी यूज़ कर सकते हो, और आप जो बीच वाली जो बकेट है बड़ी वाली वो मजबूत लीजिए, जिससे कि ये लोड इन डिब्बों का जो प्लास्टिक के है मिट्टी का लोड बर्दाश्त कर सके। और खूब अच्छे से टाइट कर करके आप पूरे के पूरे लगा दो। अगर आपकी डोरी कम पड़ जाती है तो आप उसमें आप जॉइंट करके भी लगा सकते हो, इस तरह से लगाओ जॉइंट कि ये आराम से लग जाए। और हाँ, इसके जो हैंडल है बाल्टी का वो भी ऐसा रखिए, इस तरह से लगाइए कि वो बाहर ऊपर की तरफ उठ जाए, अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो इसको पकड़ के उठा सकते हैं, अगर नीचे दब जाएगा तो नहीं उठा पाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, है ना? तो इस तरह से आप टाइट कर करके पूरा लगा दो। और बहुत जब ये फ्लावरिंग होती है ना चारों तरफ से, बहुत सुंदर लगता है। और बीच में अगर कोई और तरह के वैरायटी के फ्लावर्स लगा लो तो वो भी सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारा लगता है पार्ट ये फ्लावर स्टैंड जो होता है, बहुत सुंदर लगता है। मैंने इस तरह से, मैं 4 साल से बना रही हूँ, तो उस समय वीडियो भी नहीं बनाती थी, इतनी अकल भी नहीं थी कि हाँ चलो वीडियो बना के फेसबुक पे ही
डाल दूँ, वो भी नहीं बनाया था, बस फ़ोटो खींच के डाल दिए थे। अब कभी आएंगे तो मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखाऊंगी, किसी वीडियो में चलते चलते डाल दूंगी। तो उस समय मैंने ये वाटर बॉटल से बनाया था, अब कि ये मैं इसमें पेंट के डिब्बों से बना रही हूँ। पेंट वगैरह किया था मैंने घर में अपनी बॉल्स पे, एक एक दो दो बॉल पे, तो वो पेंट के डिब्बे काफ़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो ऐसे यूज़ कर लूँ ना। अभी मेरी ख़त्म हो गई डोरी, तो हम क्या करेंगे ये इस तरह से, एक तो या तो जो जॉइंट छूटा है उसमें लगा दो। ये अब इसमें ये गांठ थी तो ये होल में से निकल नहीं पाती, तो मैंने इस साइड से लगा दिया इस तरह से, ऐसे करके टाइट करके, है ना। तो बहुत सिंपल और इजी है, अगर आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छे से बना सकते हो। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें भी एक वर्क दे सकते हो, है ना। अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जब फ्लावर होंगे तो बहुत सुंदर लगेगा।